मधुबनी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर करीब 17 लाख रुपए के साथ एक मुद्रा तस्कर गिरफ्तार। सीमावर्ती क्षेत्र जैन नगर के जानकी नगर बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने की बड़ी कार्यवाही। देर रात में अवैध तरीके से भारतीय और नेपाली नोटों के साथ नेपाल से भारतीय सीमा में घुसा था मुद्रा तस्कर। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारतीय सीमा क्षेत्र के तस्कर को दबोचा। एक बड़ी खबर मधुबनी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से आ रही है, जहां मधुबनी के नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने 16,83,000 रुपए के साथ एक मुद्रा तस्कर को दबोचा। मामला इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित जयनगर थाना के जानकी नगर बॉर्डर के पास की है, जहां 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने देर रात अवैध तरीके से नेपाल से भारत ला रहे भारतीय और नेपाली मुद्रा के साथ एक नोट तस्कर को दबोचा। जानकी नगर चेक पोस्ट पर तैनात जवानों ने अवैध तरीके से नेपाल से भारत ला रहे 3,10,000 नेपाली रुपया और 13,73,500 भारतीय मुद्रा के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसबी के डिप्टी कमांडेंट विवेक ओझा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि जानकी नगर के धुबी बाजार के रास्ते भारतीय और नेपाली मुद्रा की अवैध तस्करी होने वाली है। सूचना मिलते ही जवानों ने चेक पोस्ट के रास्ते आने जाने वाले लोगों की गहन रूप से तलाशी ली। चेक पोस्ट पर तैनात जवानों ने देखा कि एक व्यक्ति नेपाल से भारत की तरफ आ रहा है। संदेह के आधार पर जवानों द्वारा उस व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली गई। उसके बैग से भारी मात्रा में भारतीय और नेपाली मुद्रा मिला। धराए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसकी पहचान हरलाखी थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद साजिद हुसैन के रूप में हुई है। उसके पास मुद्रा से संबंधित कोई लीगल कागजात नहीं था। जब्त किए गए भारतीय मुद्रा और नेपाली मुद्रा के साथ तस्कर को सीमा शुल्क कार्यालय जयनगर को कार्यवाही के लिए सुपुर्द करने की प्रक्रिया जारी है। 48वीं वाहिनी जयनगर के कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवान लगातार कार्यवाही कर रही है। जयनगर से संतू नायक की रिपोर्ट।